काराकाट में निकले लोकसभा चुनाव के नतीजे चौंकाने वाले थे। कहां मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच देखने को मिल रहा था और कहां मुकाबले की जीत राजा राम सिंह अपने नाम दर्ज करा ले गए। अब हार का सामना तो पावर स्टार पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को करना पड़ा, लेकिन हार के बाद कुशवाहा का पहली बार दर्द छलका है, जिसमें वो अपने हार का निशाना इशारों में एनडीए पर साधते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, दरअसल कुशवाहा का मानना है कि फैक्टर बनाया गया ये सब लोगों को मालूम है यार, जो हम तो कुछ नहीं कर रहे। अब कुशवाहा के इस बयान से ये तो साफ है कि कुशवाहा हार के बाद एनडीए से कुछ नाराज चल रहे हैं। अब भला लंबे वक्त से काराकाट में राज किया, फिर चुनाव लड़े और चुनाव आयोग की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आने के बाद कुशवाहा का दर्द छलकना तो लाजमी है। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि पवन सिंह के बीच में आने के कारण कुशवाहा के हाथ से सीट निकल गई। अगर पवन सिंह बीच में ना आते तो कुशवाहा का काराकाट में एक बार फिर राज करना तो तय था, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार का काराकाट में आना कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार को काराकाट में हिला गया। इससे ये तो साफ है कि कुशवाहा की नज़र में एनडीए भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि पवन को टिकट तो पहले भाजपा से ही मिला था और टिकट लौटाने के बाद पवन सिंह ने काराकाट में ही अपना दांव खेल लिया, जिसके कारण कुशवाहा का खेल बिगड़ गया। तो क्या लगता है आपको, क्या कुशवाहा की नाराज़गी एनडीए से लाजमी है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।